रामनवमी को लेकर बुधवार को न्यू टाउन हॉल में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी समितियों को राज्य सरकार के निर्देशों से अवगत कराया गया। राज्य सरकार के निर्देशों से अवगत कराते हुए उपायुक्त ने कहा कि एक जुलूस में 100 लोग को शामिल होने की अनुमति दी गई है। एक स्थान पर जहां जुलूस इकट्ठा होंगे, वहां 1000 लोगों के सम्मिलित होने की सरकार की गाइडलाइन है। सभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का भी अनुपालन करना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार जुलूस समापन करने का समय संध्या 6 बजे तक निर्धारित है। इसका सभी अखाड़ा दल अनुपालन करेंगे। अफवाह को रोकने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिला प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी। साथ ही अवैध शराब, अवैध बुचड़खाना, प्रतिबंधित मांस की बिक्री एवं अन्य स्थानों पर भी जिला प्रशासन की नजरें रहेंगी। रामनवमी के अवसर पर किसी भी अखाड़ा दल को नए रूट पर चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। शांति समिति के सदस्य अपने अपने दल के रूट तथा जुलूस कब शुरू और कब खत्म करना है उसकी जानकारी अवश्य अपने पास रखेंगे। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित थाना को सूचित करें। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध IT एवं IPC की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। ये अभी नवरात्रि जैसे आप जान रहे हैं कि चल रहा है, तो उसमें नवरात्रि के अवधि में और रामनवमी के जो कार्यक्रम किए जाएंगे उनके संबंध में, रमजान का महीना चल रहा है, तो जनरल विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी थाना प्रभारियों, जिला स्तरीय जो शांति समिति के सभी सदस्य हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनके साथ में अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाकी सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ में आज ये बैठक रखी गई है, जिसमें सरकार के कोविड को देखते हुए जो दिशा निर्देश हैं, विशेष रूप से धार्मिक जुलूसों की विशेष अनुमति राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, जिसमें एक इंडिविजुअल जुलूस है जो उसमें संख्या सीमा 100 की, और कई जगहों के जुलूस जब जाके एक जगह मर्ज होंगे, कॉन्ग्रीगेट होंगे, तो उसकी अधिकतम संख्या सीमा 1000 की, ऐसा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। तो उसकी सभी सदस्यों को उसके बारे में जानकारी और चर्चा हो, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से किसी तरह का अफवाह नहीं फैले, उस पर नियंत्रण के लिए सभी कार्यवाहियों के लिए काउ स्लॉटर, अवैध जो वधशालाएं हैं उन पर नियंत्रण, इलीगल शराब कहीं पर बिक्री नहीं हो, जनरल विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित जो चीजें हैं, प्रखंड और थाना स्तर पर जो शांति समिति की बैठकें होती हैं उसमें जो भी संभावित फ्रिक्शन के एरियाज हो सकते हैं उनको सभी बैठ के रिजॉल्व कर लें, ऐसा निर्देश और अनुरोध सभी को किया गया है, और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का त्यौहार भी, रमजान का भी पूरा महीना पूरे धनबाद जिले में अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जा सके, उसके लिए जिला प्रशासन के स्तर से, पुलिस के स्तर से और सभी जो सिविल सोसाइटी के शांति समिति के लोग हैं उनके साथ समन्वय करके हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। समय को लेकर सर क्या कुछ निर्धारित किया गया? शाम को 6 बजे जो भी ये प्रोसेशन वगैरह निकलेंगे उनका समापन शाम को 6 बजे तक हो जाना है, तो उस समय सीमा का लोग पालन करेंगे। DJ का, प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक का, साउंड बॉक्सेज हैं, इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सभी को यह निर्देश दिया गया है कि एक तो उनका उपयोग नहीं करें, और अगर कहीं पर पाया जाता है उस तरह का उपयोग तो फिर उनको जब्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से सभी धनबाद जिले वासियों को रामनवमी की, नवरात्र के पूरे त्योहार की, रमजान की बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर SSP संजीव कुमार ने कहा कि रामनवमी में क्विक एक्शन टीम टियर गैस, रबर बुलेट के साथ बाहर से मंगाई गई फोर्स तैनात रहेगी। हर जुलूस में पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, एक वीडियोग्राफर भी रहेगा। कुछ क्षेत्रों में ड्रोन एवं CCTV से निगरानी की जाएगी। SSP ने शांति समिति के सदस्यों से कहा कि बाहर से आने वाले कुछ असामाजिक तत्व सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए शांति समिति के सदस्य और कार्यकर्ता सजग रहें, निरंतर थाना के संपर्क में रहें, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली झूठी खबरों की सूचना तुरंत थाना को दें। बैठक की, लोगों के साथ बैठक की गई, सारे मुद्दों को सुना गया है, और जैसे पुलिस की बंदोबस्ती हम लोग पूरी तरह से पुलिस की बंदोबस्ती कराएंगे, और जो शासन का आदेश है उसका उसको पूरी तरह से।
जो समय शासन के आदेश में सब टाइमिंग सब कुछ क्लियर है, जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर लोगों के को बताया गया है और लोगों ने पूरी तरह सपोर्ट करने का वादा किया।